हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मंडे को मैंने बालकनी मेकओवर का वीडियो शेयर किया था, जिसे आप सब लोगों ने बहुत पसंद किया, स्पेशली फाउंटेन को जो मैंने बनाया हुआ था। तो बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि फाउंटेन का फुल मेकिंग वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो फाउंटेन कैसे बनाया है हमने, और फाउंटेन बनाया है स्पेशली मेरे हस्बैंड ने है। इस बार मैंने कैमरा पकड़ा था, सारा फाउंटेन मेरे हस्बैंड ने बनाया है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि ये फाउंटेन कैसे बना है। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो कॉन्टेस्ट मैंने स्टार्ट किया था बालकनी मेकओवर में, उसके विनर का नाम मैं अनाउंस करने वाली हूँ नेक्स्ट वीक। तो अगर आपने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो बालकनी मेकओवर का मेरा वीडियो देखिए और उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए और जीतिए एक प्यारा सा गिफ्ट मेरी तरफ से। तो सबसे पहले मैंने इस मिट्टी की उर्ली को पेंट किया है। इसके एजेस पे मैंने रेड और ऑरेंज शेड लगाया है, और इसका जो बेस देख रहे हैं यहाँ पर मैंने ब्लैक और ग्रीन शेड यूज़ किया है, ताकि उर्ली भी थोड़ी कलरफुल दिखे। फाउंटेन बनाने के लिए हमें इस मटके में होल करना होगा। होल आप ड्रिलिंग मशीन से भी कर सकते हैं या जैसे हमने किया है वैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे ही हमको वो पाइप लगाना है जहाँ से पानी आएगा। फाउंटेन बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है एक मिट्टी की उर्ली, साथ में दो ये क्ले पॉट जिनको मैंने पेंट किया है, और ये और दो छोटे छोटे पॉट, और साथ ही में ये एक बड़ा सा दिया जो मेरे घर में पहले से पड़ा हुआ था। हमें चाहिए एक पाइप, आप किसी भी साइज़ का ले सकते हैं पाइप, और साथ में लगेगा ये एक समरसेबल पंप। फाउंटेन के अंदर लाइट का इफ़ेक्ट लाने के लिए हम यूज़ करेंगे ये एक एलईडी स्ट्रिप, जिसके पीछे ये एडहेसिव लगा होता है, और इसको आप निकाल के किसी भी सरफेस पे अच्छे से इसको आप स्टिक कर सकते हैं। फाउंटेन के अंदर स्मोक क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करेंगे ये कूल मिस्ट मेकर, और ये है एक वुडन का प्लैंक जिसको हम यूज़ करेंगे फाउंटेन बनाने में। तो चलिए अब फाउंटेन बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस एलईडी स्ट्रिप को प्लैंक के पीछे चिपका रही हूँ, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इस एलईडी स्ट्रिप को ऑन करने के लिए आपको 12 वोल्ट का एडॉप्टर लगेगा। आप इसको डायरेक्ट एसी लाइन से कनेक्ट ना करें, अदरवाइज़ ये ख़राब हो जाएगा। अब इस प्लैंक को हम इस उर्ली के ऊपर चिपका रहे हैं ग्लू गन की हेल्प से, और जितने भी सामान आप फाउंटेन में बनाएंगे उन सबको आपको अच्छे से स्टिक कर देना चाहिए, ताकि वो फिसले ना। फाउंटेन में पानी के सप्लाई के लिए हम इस पाइप को मटके के पीछे फिक्स कर रहे हैं, और इसके दूसरे एंड को हम समरसेबल से कनेक्ट करेंगे, जिससे कि पानी निकलेगा जैसे कूलर के अंदर लगा होता है, जस्ट वही इसका फंक्शन है। तो अब हम यहाँ पर पहले एक मटका लगा रहे हैं ताकि थोड़ी हाइट मिले, हमारा जो फाउंटेन गिरे। इसके ऊपर मैं वो पाइप वाला मटका फिक्स कर रही हूँ। अब यहाँ पर हम समरसेबल पंप को अंदर फिक्स कर रहे हैं, और पाइप के दूसरे सिरे को हम इसी पंप से जोड़ देंगे। अब हम स्मोक क्रिएट करने वाले इस कूल मिस्ट को भी अंदर फिक्स करेंगे। ध्यान रखिएगा कि ये पानी के अंदर डूबा होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा भी पानी मत भर दीजिएगा, अदरवाइज़ धुआं प्रॉपर नहीं निकलेगा। और इसको कनेक्ट करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें वायरिंग दी हुई है, आपको सिंपल इसको स्विच बोर्ड से अटैच कर देना है। तो चलिए, सारे इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें फिक्स हो गई हैं, तो अब बाकी के सारे सेटअप को रेडी करते हैं। इन सारी चीज़ों को इसके अंदर अच्छे से सजाते हैं, और बहुत ही सिंपल तरीका है। आपने देखा, आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके का फाउंटेन बनाना बहुत ही आसान है, और आप जिस तरीके का फाउंटेन चाहते हैं, मतलब कि जो भी डिज़ाइन चाहते हैं, ज़्यादा प्लांट्स चाहते हैं तो आप प्लांट्स ऐड कर सकते हैं, कुछ खिलौने जैसे कि कछुए हो गए, फिश हो गए जो आर्टिफिशियल, उनको भी आप इसके अंदर डाल के क्रिएट कर सकते हैं। तो डेकोरेशन की जो मैं बात कर रही हूँ, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पर बहुत ही सिंपल और सोबर सा डेकोरेशन किया है।
हमारा फाउंटेन बन के रेडी हो गया है। इसको अब मैं यहाँ पर प्लेस कर रही हूँ। मैंने मटके को यूज़ किया है ताकि थोड़ी हाइट पर इस फाउंटेन को मैं रखूँ, और आई होप कि आपको सारा प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब चलिए सारे कनेक्शन करते हैं।